आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक कार की प्रॉपर पीडीआई कैसे की जाती है। और आज हम लोग एक कार की पीडीआई करने जा रहे हैं, भाई को कार लेना है और कौन कौन से पॉइंट है जिसे आपको चेक करना होता है कार लेने से पहले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको चेक करना काफ़ी ज़रूरी है और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम लोग रास्ते में हैं, जस्ट शोरूम पहुँचते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि हमारी कार की पीडीआई किस तरह से होती है और कौन सी कार है। वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। हालांकि पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने कार जो बुक करवाई थी वो कार की ही आज हम लोग पीडीआई करने जा रहे हैं और कल जो है कार की डिलीवरी होगी, जिसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। और चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली टाटा के शोरूम में पहुँच गए हैं और ये है टाटा नेक्सॉन एक्सजेड प्लस और इसकी आज हम लोग पीडीआई करने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आप अपनी कार की पीडीआई करते हैं तो कार को नेचुरल लाइट में खड़ा करिए, शोरूम के अंदर में कभी भी आप कार की पीडीआई ना करें। तो सबसे पहले बाहर से आप नेचुरल लाइट में इस कार की जो है अच्छे तरीके से मुआयना कर लीजिए और क्या क्या आपको चेक करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले इस तरह के बाहर में कार निकालने के बाद में साइड से इस तरह से आप जो है ऑब्जर्व करिए कि कहीं भी डोर्स में किसी तरह का पेंट में दिक्कत तो नहीं है या फिर रीपेंट तो नहीं है। और तिरछा होकर के जब आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा और अगर ऐसे आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, पेंट में डिफरेंस महसूस नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि जो भी विंडो ग्लास है इसमें एक सीरियल नंबर होता है, इस सीरियल नंबर को आपको चेक करना है कि चारों विंडो का ग्लास जो है सेम सीरीज की होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको ये विंडशील्ड और पीछे वाली विंडशील्ड दोनों की जो सीरीज है वो सेम होनी चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी कार का जो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता कर सकते हैं, यहाँ पर VIN नंबर दिया हुआ रहता है, ये देखिए। तो यहाँ से आप मंथ और ईयर पता कर सकते हैं कि किस मंथ में कार जो है प्लांट से बन के निकली है, वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी कार के अंदर में लाइट के स्विचेज हैं उनको आपको चेक करना है, विंडो के जो स्विच हैं वो चेक करने हैं कि चारों विंडो के स्विच प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मोटर सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है वो चेक कर सकते हैं। जो लाइट्स के स्विच हैं उसको आपको चेक करने हैं, हेडलाइट का स्विच है, वाइपर वगैरह का जो स्विच है सारा आपको चेक करना है, टच इन्फोटेनमेंट को ऑन करके देखना है, एसी का ब्लोअर वगैरह क्या है, सारा चीज़ आप बहुत ही आराम से चेक करिए, किसी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं करना है। ग्लोब बॉक्स में चेक करिए, अगर कूल ग्लोब बॉक्स है तो यहाँ पर कूलिंग वेंट लगा हुआ है वो फंक्शनल है कि नहीं है, वो सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं। कैबिन की लाइट्स के जो स्विच है उसको आप चेक करिए और वॉइस कमांड अगर आपकी कार जो है एक्सेप्ट करती है तो वॉइस कमांड वगैरह भी कार को देख करके देखिए कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं सबको आपको बारीकी से चेक करना है। यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है उसको आप चेक कर लीजिए और इसके साथ में जो आपको किट दिया जाता है टाटा की गाड़ियों में आता है पंचर रिपेयर किट, वो आपको प्रॉपर दिया गया है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। टायर की साइज़ चेक कर लीजिए, थोड़ी सी प्रोफाइल साइज़ इसकी छोटी है और यहाँ पर जो है आपका जैक वगैरह का जो खोलने वाले पार्ट्स होते हैं टोइंग हुक सारा चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ कहीं से कोई लॉक वगैरह है स्क्रू वगैरह ढीले हैं वो चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्क्रू जो है गिरी पड़ी है, अब ये कहाँ से खुली है पता नहीं, तो इसको हम लोग अभी देख लेंगे। साथ ही साथ जो भी सेल्स एडवाइज़र हैं उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी स्क्रू है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत जगह जो है लॉक्स होते हैं, इन लॉक्स को जो है आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर फंक्शनल हैं कि नहीं, इनके लॉक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं तो घर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ जो लॉक से देखिए जैसे ये खुली, तो इसको एक बार खोल के आपको देख लेना है और फिर ये लगा के देख लीजिए कि ये प्रॉपर फिट हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ा सा लगाओ इसको। बाकी ब्रेक लाइट वगैरह जो भी लाइट्स है इंडिकेटर सारा चीज़ तो बोल ही दिए कि आपको अंदर से चेक कर लेना है। रूफ रेल वगैरह में भी देखिए कहीं पर पैनल गैप्स वगैरह तो नहीं है और कहीं से कोई पार्ट उठी हुई तो नहीं है, हो गया। वोकल फॉर लोकल और सबसे मेन ज़रूरी आपको चेक करना है कि आपका जो MID है वहाँ पर कार कितनी किलोमीटर चली हुई है। कार जब प्लांट से बन के आती है तो स्टॉक यार्ड में उतरती है तो स्टॉक यार्ड से जो शोरूम की दूरी है वो देख लीजिए कि कितनी है, अगर उससे ज़्यादा कार चली हुई है तो आपको डाउट करना ही चाहिए।
तो एक बार उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कितनी चली हुई है। लगभग 55 किलोमीटर ना। तो अभी हम लोग हैं रामगढ़ में और इसका जो स्टॉक यार्ड है वो रांची में है। तो वो रांची से यहाँ की जो कुल डिस्टेंस है वो 50-55 किलोमीटर है, तो ये एक्सेप्टेबल है। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। इंजन बे को खोलिए और यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। ये है इसका इंजन बे। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि वायर कहीं कट तो नहीं है, कहीं फिर से टेप दोबारा से लगाया तो नहीं गया है। अगर दोबारा लगाया गया है तो आप पता लगा सकते हैं कि वायर कट हुई है या फिर से उसमें काम हुआ है। और जो प्लांट से टेप लग के आती है तो एक कोटिंग होती है, उससे पता चल जाएगा कि बाद में इसमें टेप लगा है या फिर नहीं लगा है। ये BS6 फेज 2 वाली इंजन है और इस इंजन में आप देख सकते हैं कि कितनी वाइब्रेशन है और नॉइज़ कितनी है। काफ़ी ये स्मूथ हो चुकी है पहले की तुलना में। और इस नए टाटा नेक्सोन में 2-3 चीज़ें जो है ना काफ़ी इम्प्रूव हुई है BS6 हो जाने के बाद में। एक तो इसका नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, दूसरी जो है वाइब्रेशन इसकी कम हो चुकी है, और तीसरी जो है इसकी माइनर सी माइलेज जो है वो बढ़ चुकी है। अगर देखा जाए तो लास्ट महीने में टॉप सेलिंग SUVs की बात करें तो ये टाटा नेक्सोन जो है अच्छी खासी संख्या में बिकी है, 15,006 यूनिट बिकी है। और इतनी डिमांड में होने के साथ साथ इस कार में जो अपडेट BS6 फेज 2 में आया हुआ है उसको अगर आप देखते हैं तो इसकी जो सेल है और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। साथ ही साथ इस कार की जो ग्लोबल एनकैप में जो सेफ्टी है, आप सबको पता है कि ये 5 स्टार का स्कोर करके आई है, तो सेफ्टी वाइज भी इसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है। तो मैंने रफली आप लोगों को बता दिया कि क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। हालांकि अभी तक हम लोग पूरा जो है चेक किए नहीं हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर लेते हैं। बैटरी टर्मिनल्स वगैरह देख लीजिए कहीं से कोई खुला तो नहीं है, और अगर आपके पास में कोई एक्सपर्ट हैं, अगर मिस्त्री आपके आसपास में है तो उनको ला के आप जो है कार की PDI करवा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कार कितनी किलोमीटर चली है, इंजन बे, बूट, सारी लाइट, सारी स्विच, एयर टॉप मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लेते हैं। और यही मेन चीज़ें जो है आपको चेक करनी है और उसके बाद ही आप ओके करिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है कार की डिलीवरी लेने से पहले कि जब तक आप अपनी कार का PDI नहीं करते हैं तब तक अपनी कार को रजिस्टर नहीं करिएगा, क्योंकि RTO में रजिस्टर हो जाने के बाद वो आपके नाम से कार हो जाती है, उसके बाद PDI करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर किसी तरह का कोई डैमेज निकलता है कार में तो उसको चाह करके भी आप जो है रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके नाम से रजिस्टर हो जाती है। रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी कार की आप डिमांड कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप शोरूम में ये कह करके रखिए कि जब तक मैं कार की PDI कर नहीं लेता तब तक जो है कार को रजिस्टर न किया जाए। जब आप एक बार पूरा संतुष्ट हो जाते हैं, सारा चीज़ ओके हो जाती है, उसके बाद जो है शोरूम वाले को बोले कि कार जो है आपकी रजिस्टर की जाए और कागजी जो प्रक्रिया है वो की जाए। ये देखिए इंडिकेटर वगैरह चेक किया जा रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो भाई हैं जिनको कार लेना है वो पूरा चेक कर रहे हैं। और ये जो फ्यूल लीड है इसको भी ओपन करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, अंदर से खुलेगा। देखिए इंडिकेटर चल रहे हैं सारे प्रॉपर ढंग से, ये फंक्शनल हैं। अगर आपकी कार जो है कीलेस एंट्री के साथ में है तो जो भी रिक्वेस्ट सेंसर है उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। जितना फीचर्स गाड़ियों में बढ़ जाते हैं उतना जो है आपके चेकलिस्ट भी बढ़ जाते हैं। ब्रेक लाइट चेक करें ना, ब्रेक लगाओ ना, लगाओ, हाँ जल रहा है प्रॉपर, ठीक है। इंडिकेटर दोनों चारों चेक कर लिया ना, वाइपर चेक नहीं किया, स्विच जितना है वाइपर वगैरह का और हेडलाइट वगैरह का स्विच, किलोमीटर तो उसी समय हम लोग चेक कर लिए थे। टच इंफोटेनमेंट सिस्टम काम कर रहा है, AC भी प्रॉपर है, सारा जो AC वेंट है सब जगह से हवा आ रहा है वो चेक कर लिए हैं। और वो जो डिफोगर वाला है, डिफोगर ने चेक किया, और ये फॉग लैंप कैसे जलता है, फॉग लैंप का यहाँ स्विच है वो देखो सामने में, हाँ हाँ वो जो दिख रहा है ना, अब देख लो। जला ना, प्रॉब्लम भी प्रॉपर वर्किंग है। और देखिए टाटा मोटर्स की तरफ से चाय हमें ऑफर किया गया है, तो चाय पी लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। पकड़ो थोड़ा सा कैमरा बंद करेंगे।
आपके कार में अगर सीट एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो जितने भी वे में दिया हुआ है आगे पीछे ऊपर नीचे सारा चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। म्यूजिक सिस्टम चेक कर लीजिए, सारे दरवाज़ों में स्पीकर प्रॉपर बज रहे हैं नहीं बज रहे हैं, ट्यूटर की क्या स्थिति है, साथ ही साथ यहाँ पर जो हैंड ब्रेक है उसको इंगेज डिसंगेज करके देख लीजिए, जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको चेक कर लीजिए, इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कर लीजिए, गियर को इंगेज डिसंगेज करके देख लीजिए, गाड़ी आगे पीछे करके देख लीजिए, स्टोरेज स्पेसेस देख लीजिए, इस तरह से ये स्लाइडर है तो ये स्लाइडर प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हैंड रेस्ट की क्या स्थिति है, ये खुल रही है नहीं खुल रही है, इसकी जो फंक्शनिंग है उसको आप चेक कर लीजिए, चारों दरवाजे के जो पावर विंडो स्विच हैं वो चेक कर लीजिए, और सभी के यहाँ भी दिए हुए हैं यहाँ भी चेक कर लीजिए, चाइल्ड लॉक को आप चेक कर लीजिए, और पीछे में तो कुछ वैसा है ही नहीं कि आपको चेक करना है, आपके कार में जो भी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं जो भी यूएसबी पॉइंट दिए हुए हैं उनको आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें प्रॉपर करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, इनको आप ऊपर नीचे करके देखिए, ये जो है फंसा हुआ रहता है ये काम नहीं करती है, तो ये सारे चीज़ों को आप चेक कर लीजिए कि ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को जो है आपको चेक करना है। केबिन लाइट के बारे में बता दिया है, यहाँ पर माइक दी गई है तो माइक को जो है आप कमांड दे करके देखिए, क्लच पैडल ब्रेक और एक्सेलरेशन है सारा चीज़ दिया हुआ है, कौन सा स्विच कहाँ पर है वो क्या काम करता है, जो आपके सेल्स एडवाइज़र हैं उनसे आप पूरी जानकारी ले लीजिए। बोनट को खोलने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है, फ्यूल को भरने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप सेल्स एडवाइज़र से पूरी जानकारी ले लें, इसके बाद ही कार को आप डिलीवरी लें, ताकि जब भी आप घर कार को लेके जाएं या आपको ज़रूरत महसूस हो कि ये चीज़ कहाँ पर है तो आप इजीली उसको फाइंड कर सके, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता है, कार की डिलीवरी लेके वो घर चले जाते हैं और पता चलता है कि इसका स्विच कहाँ पर है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो सारी जो है इन्फॉर्मेशन आप सेल्स एडवाइज़र से यहीं से पूछ लें, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो है कार को आप घर ले जाएं, साथ ही साथ इसका जो कार का मैनुअल बुक होता है वो कहाँ पर है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़िए, और वो कहाँ पर रखा हुआ है वो सेल्स एडवाइज़र से आप पूछ लीजिए, और घर में जाने के बाद आराम से पूरा जो मैनुअल बुक है उसको आप रीड करिए, एक एक चीज़ों के बारे में जानिए समझिए, ठीक है। ऑयल का लेवल ठीक ही रहना चाहिए, दिक्कत है नहीं, फिर भी आपको संतुष्टि के लिए आपको जो है चेक कर लेना है, जो भी फ्लूइड है उनको चेक कर लेना है। ये देखिए ब्रेक ऑयल वगैरह सारा चीज़ ठीक है, जहाँ से आप खोल के चेक कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, आप पूरा संतुष्ट हो जाइए। जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको आप नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उसको कर लीजिए। हाँ, ये एबीएस यूनिट है, ब्रेक ऑयल हो गया, कूलेंट वगैरह जो भी है, मतलब जितना फ्लूइड है जो लिक्विड है सारा जो टॉप अप होता है वो सारा चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अरे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बाहर का है दिया, साला पानी मारेगा आदमी धोएगा तो इसलिए तो नहीं 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 कवर किया हुआ हम नहीं धोते हैं, लेकिन धोना ही नहीं है, हम नहीं धोते हैं, लेकिन कोई कोई होता है ना जो गलती से धो देता है। एक तो मेरा दोस्त है बैठा था उसके पास, ठीक ना भाई साहब, पूरा अंदर मार दिया पानी, 60,000 लग गया। विंडशील्ड में पानी है नहीं है वो भी चेक कर लीजिए। वाइपर चेक नहीं किया है, वाइपर नहीं किया है, चेक कर लो एक बार, इसको गिरा हमने। हाँ बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कुछ लगा हुआ है, वो होता है ना उसका दाग है यहाँ पर है ना। हाँ बंद कर दो,
दरवाजों में रबर की जो बीडिंग होती है उसको उतार के आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि दरवाजों पर कोई काम तो नहीं हुआ है, रीपेंट तो नहीं हुआ है, बहुत ही इजीली उसको आप फाइंड कर सकते हैं। फाइनली हमारी कार की जो पीडीआई है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग घर वापस लौट रहे हैं। और आसपास का व्यू देखिए, इतना खूबसूरत व्यू आपको मिलने वाला है ना कि क्या ही बताएं, मन खुश हो जाता है, काफ़ी बेहतरीन। और यहाँ पर अभी हम लोग पेड़ की छाया में रुके हुए हैं, सेव द ट्री सेव द नेचर वाले स्लोगन के साथ में इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कार की डिलीवरी से पहले पीडीआई में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको एक्चुअल में पता चला होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।